मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पीएम के तौर पर तीसरी बार शपथ ले ली है। पीएम मोदी के साथ साथ अन्य सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72 होगी, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इनके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, वहीं 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। मोदी कैबिनेट 3.0 में ऐसे कई मंत्रियों को भी शामिल किया गया है जो मोदी सरकार 2.0 में भी मंत्री रहे हैं। लेकिन अब कैबिनेट का गठन होने के बाद सभी की निगाहें पोर्टफोलियो के बंटवारे पर है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किस मंत्री के हिस्से में क्या आता है। मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल कुल कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी के हैं, 5 मंत्री पद सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं। वही स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिनमें 3 बीजेपी जयंत चौधरी के रूप में, 1 आरएलडी और प्रताप राव जाधव के रूप में 1 शिवसेना से शामिल किए गए हैं। इस बीच नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर सोमवार की शाम 5 बजे होने वाली है। सूत्रों की माने तो इस बार पीएम मोदी विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग देंगे। वहीं सभी की नजर सीसीएस के मंत्रियों पर है, यानी मोदी सरकार में टॉप 4 कौन मंत्री होंगे। इसके अलावा बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा होगी। ये तय माना जा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के विभाग नहीं बदले जाएंगे। पहले की तरह अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। सबकी नजर गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP और जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के मंत्रियों को मिलने वाले विभागों पर रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में 32 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनमें MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के पूर्व CM कुमार स्वामी और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी शामिल हैं। बता दें आपको, भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था, अब नरेंद्र मोदी के भी ये नाम हो गया है नया रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना और 140 करोड़ लोगों के भरोसे पर खड़े उतरना, ये पीएम मोदी ने मुमकिन कर दिखाया है। फिलहाल आप सबकी नजर इसी पर टिकी है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।